देवर ने की भाभी के साथ छेड़छाड़, पति को बेरहमी से पीटा, सिर में आए 16 टाके, पुलिस ने साधारण धाराओं में की कायमी। शिवपुरी में एक दंपति ने अपने साथ हुई मारपीट और लूटपाट की शिकायत एसपी से की है। महिला ने अपने दो चचेरे देवरों पर छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। दंपति का कहना है कि मारपीट में सिर में 16 टाके आए हैं। इसके बावजूद भौंती पुलिस ने मामूली मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता महिला ने बताया कि मेरा पति जिले से बाहर रहकर मजदूरी करता है। मेरे परिवार के चचेरे देवर मुझ पर गंदी नजर रखता है। वह चाहता है मैं उसके साथ रहूं। जब इस बात को मैं राजी नहीं हुई तब उनके द्वारा मेरे घर में चोरी कराई गई। इसके बाद मेरे मकान में तोड़फोड़ कर दी गई। इसकी सूचना मैंने अपने पति को दी थी। इसके बाद मेरा पति घर लौटकर आ गया। 4 दिसंबर की दोपहर 12 बजे मेरे चचेरे परिवार के 4 लोगों ने घर पर हमला बोलते हुए मेरी दीवार गिराने लगे। घर में खड़ी बाइकों को भी तोड़ दिया गया। जब मैंने और मेरे पति ने रोकने का प्रयास किया तो मेरे पति के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मेरे पति के सिर में 16 टाके आए हैं। इसकी शिकायत भौंती थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? महुआ खेड़ा से। कौन से थाने में पड़ता है ये? भौंती थाने में। क्या समस्या लेके आई जाए एसपी ऑफिस पे? इनको मारा है ना। किसने मारा है? हरिकिशन ने, हरिशंकर ने, शिवम ने, नीरज ने। किस बात को लेकर? हमारा मकान गिरा दिया, चोरी कर लिया। फिर 3 तारीख में मकान दोबारा नया पुराना वाला मकान गिरा दिया, गेट तोड़ दिया, मोटरसाइकिलें मिटा दी 3। किस बात को लेकर? गेट तोड़ने के बाद झगड़ा, चोरी करने के लिए। अच्छा, और क्या हुआ आपके साथ? इनको मारा है, इनको जान से मार के फेंक दिया, तो उनने सोचा जान से मर गया है। अच्छा। इस फिर छोड़ के भाग गए। फिर मैं उनको भर्ती ले करने को आई हूँ। अभी इनका इलाज कराया, उसमें आए तभी हम इनको इधर आए हैं। नहीं, आप कुछ वो छेड़छाड़ वाली भी बात भी बता रही थी ना? हाँ, छेड़छाड़ भी किया है उनने। किसने किया है? एक साल बाद बोलते थे, फिर एक महीने बाद बोलते थे हमारे साथ चल, नहीं तेरे को पति को मार के फेंक देंगे। कौन बोलता है ये बात आपसे? नीरज, हरिशंकर दोनों बोलते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? हमारे साथ वाक्य चल, नहीं तेरे को पति को मार के फेंक देंगे, नहीं तेरे को मार के फेंक देंगे। मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली हूँ, चाहे पति को मार के फेंको चाहे मेरे को मार को फेंको, इसलिए इनके पति को, मेरे पति को मारा है उनने। अच्छा, इसकी शिकायत जो आपने थाने पे नहीं की थी, वहाँ पे थाने पे किया था, थाने पे कोई सुनवाई नहीं है। हमारे से बोला पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं, उनने पैसा दे दिया है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है।